और वंदे मातरम सब जो भारत माता के नमस्कार। तो अभी इस समय हम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गुलेरिया जी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से चल के आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वंदे मातरम। वो जॉब मिलती भी है तो इनका शोषण होता है। शोषण कौन करता है? इस दुष्यंत जैसे बंदे करते हैं। और साथ कौन देता है? दुष्यंत का बाप देता है। वो कौन है? वो लोटा राम है। लोटा राम जो है वो मोदी है। मोदी, पहले तू 90% सही था, फिर तू 70% सही हुआ, अब तू 30% रह गया। अब भी समझ जा, नहीं तो आग की आंधी तेरे को खा जाएगी, निगल जाएगी। साथियों, सत्य एक है, मत मतांतर अलग अलग हैं। गड्ढे चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो जाए, पहली नहीं तो दूसरी बार इसमें भर ही जाते हैं। बोलिए, राजीव गांधी को मरे हुए 20 साल हो गए हैं। अगर उनके नाम से भी कोई महिला मुकदमा लिखाएगी तो जो है हमें मुकदमा लिखना पड़ेगा। इस बंदे के पास तो 52 केस लिखे गए हैं, फिर ये बंदा कैसे जो है शेरों की तरह बाहर घूम रहा है और दहाड़ भी रहा है। सबसे बड़ी हिम्मत तो है कि दहाड़ भी रहा है। साथियों, दहाड़ना अच्छी बात है, लेकिन गलती करके दहाड़े तो ऐसी की तैसी। कब तक न्याय मिल जाएगा देश के? देखिए, आज जो है 21 तारीख को जो है हमारे को टाइम दिया गया था, खाप वालों ने भी टाइम दिया था कि हम नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे। तो आज का अल्टीमेटम है इनको, सोमवार पे सड़कों पे ही उतरेंगे। और अभी तो पहलवानों ने पहली बार यहाँ आए हैं और जो है कैंडल से लाइट दिया। कैंडल लाइट कौन दे रहे हैं? शेर दे रहे हैं। अरे, ये तो भस्म करने वाली लाइट है। अभी शांति से चल रहे हैं क्योंकि कानून को, व्यवस्थाओं को। भाई जो है चंद्रचूड़ जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारा संसार मेरे को अच्छे से जानता है। गूगल में दिनेश गुलेरिया डालिए, वर्क फॉर एवरीवन है पूरी दुनिया के लिए। 250 घंटे में आपके अपने ऑफिस हैं। भाइयों, आओ लौट चले गांव की ओर। ये दृश्य है, लेकिन गांव में तब जाएंगे जब इज्जत बची रहेगी। इज्जत ही नहीं बचेगी तो गांव में कहां जाएंगे हम? साथियों, अपनी इज्जत बचा के रखिए और तूफान को संभाल के रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि बुराई का नाश करने के लिए तूफान को लाना ही पड़ेगा। समुंदर शांत चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समुंदर की गहराई नहीं है। जिस दिन पानी ऊपर आ गया तो सारा संसार डूब जाएगा। एक एक से नफरत करेगा तो दुनिया की तबाही हो जाएगी, और एक एक को प्यार करेगा तो दुनिया बांट ली जाएगी। आओ सब एक हो जाएं। और ये तो छोटी सी बात है, बहुत गहरी, बहुत बड़ी, पर अभी तो छोटी सी बात नजर आ रही है। ये तूफान का एक बहुत बड़ा आगाज होने वाला है। साथियों, कृपा करके मीडिया से, गोदी मीडिया हटा के, मोदी मीडिया हटा के, आप जो सत्य के पुजारी हैं वो आगे बढ़े। मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा आधी रात को भी आप फोन करेंगे तो मैं आपके साथ मिलूंगा। भारत चाहिए 1999 में जंतर मंतर पे 25,000 लोगों को लेके मैंने संज्ञान दिया था राष्ट्रपति को। मेरे पास सब चित्र भी हैं, फोटोएं भी हैं, और सभी मजहब के लोग साथ थे। उलना नहीं है, सब जो है भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।